अगर आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड जो भी आपका ए कार्ड है उसमें आप देखिए यहाँ पे एक एक्सपायरी डेट होता है कार्ड का ठीक है जब ये एक्सपायरी डेट आ जाएगा तो उसके बाद आपका कार्ड जो है ए कार्ड काम करना बंद कर देगा मतलब आप ए से पैसा नहीं उठा पाएंगे तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट आने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड पहले क्या होता था कि अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद आपको फिर से ब्रांच जाना पड़ता था और फिर से आपको कार्ड अप्लाई करना पड़ता था या है फ्रेंड मोबाइल ऐप उसकी मदद से भी नया कार्ड अप्लाई कर सकते थे लेकिन लेकिन अभी क्या हो गया है कि आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है उसके लगभग पंद्रह दिन पहले ही आपका नया कार्ड ऑटोमेटिक ही अप्लाई हो जाता है आपको ब्रांच जाने का भी जरूरत नहीं होता है आपका नया कार्ड खुद से ही इशू कर दिया जाता है और ये कार्ड आपके होम एड्रेस पे भी आ सकता है और या फिर आपका जो होम ब्रांच है बैंक का वहां पे भी आ सकता है ठीक है तो आप जब आपका कार्ड एक्सपायर हो जाए तो आप उसके बाद जाके अपना कार्ड ले सकते हैं ठीक है थीके? आपका नया कार्ड खुद से आ जाएगा आप नया कार्ड ले सकते हैं सेंड मोबाइल से जो कार्ड अप्लाई होता है वो ऑप्शन अभी भी है आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर खुद से अप्लाई हो जाता है तो आपको ऐप से जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कुछ केसेस में नया कार्ड खुद से अप्लाई नहीं हो पा रहा है ठीक है वो कौन कौन सा केस है मैं आपको बता देता हूं पहला केस कि अगर आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपका नया कार्ड खुद से अप्लाई नहीं होगा तो अगर आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपको ब्रांच जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा पहले उसके बाद फिर से आपको नया कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तभी आपका नया कार्ड अप्लाई होगा दूसरा चीज के अगर आपके अकाउंट में के अपडेट नहीं है तो भी आपका नया कार्ड खुद से अप्लाई नहीं होगा ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं होगा आपको पहले के अपडेट करवाना होगा और उसके बाद फिर से आपको कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा और तीसरा चीज़ कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना जरूरी है क्योंकि अभी जो जो भी नया कार्ड अप्लाई हो रहा है मैक्सिमम कार्ड जो है वो प्लेटिनम कार्ड अप्लाई हो रहा है जिसका कि एनुअल चार्ज या अप्लाई करने का चार्ज जो है तीन सौ रुपया होता है प्लस उस पर जी एस टी होता है फिफ्टी फोर रुपये यानी तीन सौ चौवन रुपया कार्ड का चार्ज हो जाए तो ये बैलेंस आपके अकाउंट में अवेलेबल होना ज़रूरी होता है ठीक है तो अगर ये सब ये तीन चीज़ आपके अकाउंट में आ, में अपडेट है तो आपका कार्ड खुद से ही अप्लाई हो जाएगा और जब आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है लगभग तब तक आपका कार्ड आपके घर में या आपके होम ब्रांच में पहुंच जाएगा तो आप वहां से जाकर कार्ड अपना ले सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब